मेरे से बोलना नहीं जा रहा, इसलिए मैं खाली वीडियो वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, लो सारण साहब कुछ कहना चाहोगे? केदारनाथ में आके कैसा लगा आपको? अच्छा है, भगवान शिव के दर्शन करके अच्छा है, बढ़िया लगा है। दर्शन करने के बाद कुछ सर्दी भी कम लग रही है, लेकिन अगर आप आओ तो मेरा कहना है कि अगर आपको स्नो फॉल वगैरह बर्फ देखनी है तो आप इसी टाइम आओ, या आप आओ जब दीपावली के टाइम। और साथ में व्यवस्था है और क्या क्या अगर आपको सिर्फ दर्शन करने के लिए आना है तो आप कृपया मई के एंड में या जून के स्टार्टिंग में ही आए, इस समय सर्दी बहुत होती है। और पैदल आने का विचार हो तो साथ में व्यवस्था क्या करके लानी चाहिए? अच्छा, अगर आप इस समय आ रहे हो तो आप अपना वाटर प्रूफ ट्रैक सूट लेके जरूर आए, वाटर प्रूफ जूते, ठीक है। और जो जूते हैं वो जाली वाले जूते, स्पोर्ट शूज जाली वाले जूते मत लाएं, वाटर प्रूफ जिनके अंदर पानी ना जाए, ऐसे जूते लेके आए। और इनर वगैरह पहन के आए, साथ में कपड़े लाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आते हो तो आप इस समय आते हो तो कोट वगैरह, यहाँ पे नहाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, गर्म पानी नहीं है, ठंडे पानी में आप नहा नहीं सकते, गर्म पानी की कोई व्यवस्था, पीने को भी गर्म पानी बहुत मुश्किल से मिलता है, 100 रुपये लीटर गर्म पानी। तो आपसे अनुरोध है कि आए बिना बैग के आए, सिंपल अपना मोबाइल चार्ज करके लाएं, यहाँ पे चार्जिंग की कोई सुविधा नहीं है, 50 रुपये घंटे के हिसाब से चार्जिंग मोबाइल चार्जिंग लेते हैं, बहुत लूट है। पानी की बोतल 40 रुपए की है, चाय 30 रुपए की है, छोटा सा कप। इससे अच्छा अपना पावर बैंक साथ में लेके, पावर बैंक साथ में लेके आए या मोबाइल चार्ज करके ही लाएं। और यहाँ पे आए तो सुबह जल्दी निकल के आप 2 बजे यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं नीचे से गौरीकुंड से, और 7 घंटे के अंदर आपकी यात्रा समाप्त हो जाएगी। तो 9 या 10 बजे तक आप यहाँ पहुँच जाओगे, दर्शन कीजिए, घंटा घूमिए, 2 बजे के बाद यहाँ से नीचे उतरना स्टार्ट कर दीजिए, 4 घंटे में आप नीचे चले जाओगे, शाम का आप अपना गौरीकुंड या नीचे जाकर रह सकते हैं। राम कुमार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम एक बार फोटो खींचने भेजे दोस्तों। हेलो, ये कपिल जी, क्या कहना चाहोगे आप, कैसा लगा? अच्छा, बात तो कौन के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें? ये तो बात नहीं, ये ब्लॉग है ना, ब्लॉग के रास्ते में एडिटिंग में बात करेंगे ना, नहीं एडिटिंग नहीं करें, हम सीधा डालते हैं। और हाँ, अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो कर पे इस टाइम में मत आए, आए तो हेलीकॉप्टर ले, इस टाइम में मत आए, आप मई जून में आए, उस समय माहौल भी अच्छा होता है, मौसम भी अच्छा होता है। और हाँ, अगर इस समय आ रहे हो और लौंडे लौंडे आ रहे हो तो काला माल जरूर लेके आए। ओए आ गलत बात है।